रिफ्लेक्टर फील्ड लेटर टू डाइपोल इक्विटोरियल लाइन में क्या होगा। सो आज हम उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे एंड हमने पिछले वीडियो में हमने एक्स लाइन के लिए किया था, आज हम इक्विटोरियल लाइन के लिए करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल लाइन खींचनी होगी तो ये मिड पॉइंट हो गया इसका। तो जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस डायपोल के कारण वो हमें पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हमने कंसीडर किया एंड एक वर्टिकल लाइन खींची एंड ये ए भी डिवाइड हो गया। देन अब देखो आप इस चार के कारण इस पे इलेक्ट्रिक लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इस चार के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट को पी पॉइंट मानते हैं। पी पॉइंट एंड एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ से ड्रॉ करेंगे। सो दोनों के लिए जो लाइन ड्रॉ कर ली मैंने एंड इस एंगल को हम थीटा कंसीडर करेंगे। एंड अब देखो आप जो ये हमने पॉइंट कंसीडर किया था इस डिस्टेंस को हम आर कंसीडर करेंगे। आर हमने पिछले वीडियो में भी जिस पॉइंट पे हमने फाइंड करा था वो उसके मिड पॉइंट से यहाँ पर आर कंसीडर किया था, इसमें हमने आर ले लिया। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर जो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना होगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, तो हमारे पास ये डिस्टेंस है एंड ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम की वजह से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये सेम है तो ये भी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली, ये फाइंड कर ली। अब इस पॉइंट ये एक टेस्ट चार्ज है तो इसके कारण जो इस पे जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी इनसाइड एंड इसकी होगी आउटवर्ड। ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है इनफाइनाइट पे होती है, ये आएगी इनफाइनाइट से माइनस क्यू की चार्ज की तरफ। तो अब हमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रोटेटेड लाइन कंसिडर करनी पड़ेगी क्योंकि जो ये लाइन है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो हॉरिजॉन्टली है एंड ना वर्टिकली, तो इसकी जो कंपोनेंट होगी वो टूटेंगे क्योंकि अगर ये लाइन ऐसी होती तो इसकी जैसे ये है। अब इसके लिए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सीधा हो जाएगा एंड इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, एक तो यहाँ से देखो ये वर्टिकल लाइन है। अब ये वर्टिकल लाइन अगर ये सीधी होती तो इसकी कंपोनेंट हो जाती है और ये ऐसी होती तो इसकी कंपोनेंट नहीं होती, पर अब ये वर्टिकल लाइन है तो इसके कंपोनेंट टूटेंगे एंड उस कंपोनेंट का जो कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा। तो अब इसको थीटा माना एंड देन ये देखो यहाँ पर जेड एंगल बन गया तो ये एंगल एंड ये एंगल सेम होगा। तो यहाँ पर देखो जेड ये जेड है तो ये थीटा, तो ये अगर ये थीटा है तो ये थीटा देन देखो ये जेड एंगल बन गया एंड ये ऑल्सो थीटा हो गया क्योंकि अगर ये एंगल देखो यहाँ पर ऐसे है ये थीटा है ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सो एंगल हमने कंसिडर कर लिए हैं। अब हम इनके लिए जो कंपोनेंट होंगे वो कंपोनेंट टूटेंगे वो कंपोनेंट करते हैं। तो इस माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको ई वन मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू ई वन, इसको ई वन कर दें ड्यू टू प्लस क्यू के कारण ई टू, इसको ई टू मान लें ई वन। सो ये तो E2 की डायरेक्शन हो गई, अरे E1 की डायरेक्शन। अब कंपोनेंट थीटा की तरफ कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं E1 cos थीटा, थीटा से दूर E1 sin थीटा, इधर होगा थीटा की तरफ। अब इसके देखो इसका कंपोनेंट थीटा की तरफ है E2 cos थीटा एंड एक थीटा की तरफ तो ये होगा E2 sin थीटा। तो अपोजिट डायरेक्शन होगी दोनों की और ये सेम डायरेक्शन होगी क्योंकि देखो यहाँ पर थीटा की तरफ जो एंगल होगा थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा cos थीटा एंड जो थीटा के जो दूर जाएंगे तो ई2 cos थीटा लगेगा। तो जो हमारा डायग्राम हो गया है वो हो गया कंप्लीट। अब इसी वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो फोर
Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी C। यहाँ पर एक चीज देखो आप, तो ये है एंड ये A है, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम हो गए, E1 एंड E2 की देखो डिस्टेंस सेम, यहाँ से डिस्टेंस सेम, ये भी सेम, तो सेम सेम हो गए। एंड जो ये है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टू इन दोनों की वजह से होगा, इन दोनों की E1 एंड E2, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और हमें पता है जो E1 एंड E2 है वो सेम है, देखो डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम, और चार्ज मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इन दोनों की तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि E1 इज इक्वल टू E2, तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो डिफरेंट है, तो E1 इज इक्वल टू E2 है, इनका तो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, तो इसको हम एक पेंट के E मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें किस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, और हमें E1 की वैल्यू निकालनी है और cos θ वैल्यू निकालनी है, और जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड टू इसके लिए इक्वेशन वो हमारा आ जाएगा, तो E1 की वैल्यू होगी वो भी इसके लिए, E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू देखो, E1 तो K Q/R², तो I² + A² ये आ गया E1 की वैल्यू, एंड इसको हम E भी कंसिडर कर लेते हैं, E मान लेते हैं इसको, एंड cos θ वैल्यू होगी तो PBPHHB, तो अपन B अपॉन H बेस अपॉन हाइट, हाइपोटेनियस अपॉन बेस cos θ, तो K/R² + A² ये हमारा आगे cos θ वैल्यू, अब दोनों पुट कर देते हैं और हमारा आंसर तैयार है। तो 2E करके बता देता हूँ आपको, E मान लेते हैं इसको, E cos θ + E cos θ, एंड दोनों E cos θ हो गए, तो E को कॉमन लेते हैं, तो E को कॉमन लिया यहाँ से, E को कॉमन लिया एंड cos θ को कॉमन लिया, cos θ को कॉमन लिया, एंड यहाँ पर E + E हो गया, ये हो गया 2E, cos θ की वैल्यू है ये, तो A² + A² हो गया ये, एंड E की वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पर, E की वैल्यू क्या होगी, तो E की वैल्यू तो जो E की वैल्यू होगी वो होगी E = 2 KQ / R² + A² इसको हम इसकी पावर हाफ भी लिख सकते हैं, पावर हाफ एंड ऊपर A है, तो अब इसको रिलेज कर लेते हैं, अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड टू वो आ जाएगा, तो हाफ हो गए, अब हाफ प्लस 1 3/2 हो जाएगी, तो K2AQ होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो E = P, और ये बच गया यहाँ पर, एंड नीचे हो गया 3/2। अब यहाँ पर कोई कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो R > A है, तो R के लिए तो जो A होगा वो नेगलिजिबल होगा, एंड A की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, तो A की वैल्यू यहाँ पर हम जी कब से एज्यूम करेंगे, तो P K / R × 3/2 6, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी P K / 2 कैंसिल, एंड R³ आ जाएगी यहाँ पर, जो और इसकी जो डायरेक्शन है देखो आप, E की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरह, वो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होगी वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ पर जो इनकी डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव है ये, तो और जो इनकी डायरेक्शन है वो है इधर, इसकी तो इधर है और इसकी इधर है, तो जो है वो माइनस लगा के हम यहाँ पर लिख सकते हैं -PK / R³ / P, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्यूटोरियल लाइन है वो हमारा आ चुका है, और यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।